अस्सलामुअलैकुम, शाहिन किचन एंड व्लॉग में आपका वेलकम है। आज मैं बनाने वाली हूँ 30 से 35 लोगों के लिए बिरयानी, मटन बिरयानी, लैम्ब बिरयानी बनाने के लिए। चलिए देखते हैं उसकी रेसिपी। सबसे पहले तो मैंने 2.5 किलो कांदा ले लिया है, उसे अच्छे से श्रेड कर लिया है। इसका ब्रिस्ता बना लूँगी। जिंजर गार्लिक भी मैंने छील लिया है, 1.25 किलो है जिंजर गार्लिक। अदरक लहसुन भी 1.25 किलो, उसे छील के साइड में रख दिया है। उसका पेस्ट बनाऊंगी। सबसे पहले मैं ब्रिस्ता बनाऊंगी, तो दो जगह बनाऊंगी। कढ़ाई छोटी है तो थोड़ा सा इस कढ़ाई में बनाऊंगी, थोड़ा सा जो पैन है मेरा नॉनस्टिक उसमें बनाऊंगी। तेल का 1 किलो का पैकेट मैंने इस्तेमाल किया है, तो 1/2 किलो तेल इसमें डाल दिया है। दूसरे बर्तन में 1/2 किलो इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पक जाने के बाद प्याज को नमक ऊपर से डाल दूँगी, ताकि वो क्रिस्पी हो, गोल्डन हो, शाइनी हो। ब्रिस्ता बहुत अच्छा बनता है थोड़ा नमक ऊपर से डालने से। तो ब्रिस्ता हो गया है, इसे निकाल लेती हूँ एक थाली में, बड़े से प्लेट में, जिस प्लेट में मैंने कांदे को चॉप किया था उसी प्लेट में मैंने निकाल दिया है। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना क्रिस्पी हुआ है। और जिंजर गार्लिक भी मैंने पीस लिया है, ये 1/2 किलो जिंजर गार्लिक है। अब आ रही आती है हरा मसाले की। तो हरा मसाला में पुदीना, काफ़ी सारा पुदीना, और एक बड़ी जूड़ी कोथमीर, वो तोड़ के मैंने रख लिया है साइड में। तो 5 किलो बकरे का मटन है, बकरे का गोश्त है, उसे अच्छे से धोना है। तो काफ़ी सारे पानी से मैंने धो लिया है, आटा लगा के भी इसको धो लिया है, ताकि हल्की हल्की स्मेल होती है तो वो निकल जाए। 20 सेकंड निकल जाए आटा लगाने से या विनीगर लगाने से, थोड़ा लगा के इसको रखने से ये अच्छे से धुल जाता है। 3 से 4 पानी से धो लिया है मैंने। अब मैंने ले लिया है 5 किलो मटन, 2.5 किलो का ब्रिस्ता यानी कांदा भुना हुआ, 1/2 किलो अदरक लहसुन जिंजर गार्लिक पेस्ट, बिरयानी का मसाला ले लिया है मैंने 1 पैकेट, 1 किलो दही लिया है, हल्दी लिया है, और 1 कटोरी मैंने, हाफ कटोरी मैंने ले लिया है लाल मिर्ची का पाउडर। तो पूरा मैं अभी मैरिनेट कर रही हूँ मटन को, तो पूरा मैंने 1 किलो जो 1 लीटर की जो पैकेट की जो दही है वो मैंने इसमें डाल दिया है। 1/2 किलो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, मतलब 1/2 किलो मैंने पीसा है, तो 1/2 किलो में, 1/2 किलो में का 1/2 वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया है मैंने 1 पैकेट, हल्दी 5-6 टेबल स्पून हल्दी, और मिर्ची डाल दिया है 1/2 कटोरी, जिसमें से कलर वाली एक मिर्ची है, थोड़ी सी कसूरी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, तेज वाली भी है और कलर वाली भी है। और 2 पैकेट मैंने डाल दिया है बिरयानी मसाला, जो मिलता है आपकी किराने की दुकानों में मिल जाएगा नज़दीकी। ये मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी 1 पैकेट। तो पूरा आने अब मैं डाल दूँगी खड़े गरम मसाले, जो खड़े गरम मसाले वो डाल दें, तेज़पत्ता, जावित्री, दगड़ा फूल और लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, शाह जीरा, जीरा और नमक, इसे डाल के अच्छे से मिक्स करना है। कपड़ा आ रहा है, थोड़ा सा जायफल ऊपर से मैंने घिस के डाला है थोड़ा सा खुशबू के लिए। हालांकि गरम मसाला जो मैंने इस्तेमाल किया है बिरयानी का, जो बिरयानी का जो पैकेट मसाला है उसमें जायफल होता है। तो ये अच्छे से मिक्स करके इसे मैरिनेट कर दूंगी 6 से 7 घंटे के लिए, रख दूंगी इसे ढक करके खड़े में, इसके बाद में ही इसे बिरयानी बनाऊंगी। तो अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स किया है मैंने वापस से, जितना मैंने 1 बड़ी जोड़ी मैंने कोथमीर और 1 बड़ी जोड़ी मैंने पुदीने का तोड़ लिया था, तो ऊपर से उसका आधे में का आधा जोड़ी वो काट के चॉप करके इसमें मैरिनेट करके रखूँगी। इससे क्या होता है, जो मसाला मैरिनेट हो रहा है ना उसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब हम पकाते हैं मटन को तो खुशबू बहुत अच्छी आती है धनिया और कोथमीर को इस तरीके से काट के ऊपर से डालने से। मैं इस तरीके से बिरयानी बनाती हूँ मटन की, आप कैसे बनाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, लाल पे ध्यान दें और मुझे सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो मेरे चैनल पर। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढक करके अब मैं रख देती हूँ 6 से 7 घंटे के लिए। 5 किलो मटन है तो 5 किलो में बासमती राइस लूँगी। तो इस तरीके से 1 किलो आलू, 2.5 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर और 5 किलो मटन, ऐसा ये होता है। तो 6 घंटे हो गए हैं तो इसे हटा देती हूँ ढक्कन को। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, जब मैरिनेट होता है ना मटन तो बहुत अच्छी खुशबू आती है उसमें से। तो ये हो गया है मटन, अभी मुझे इसे गलाना है क्योंकि जल्दी बनाना है, मुझे सुबह सुबह बनाना है ऑफिस में देने के लिए।
35 लोग खाएंगे, 35 पीपल, 35 पीपल्स खाएंगे, तो मुझे ऑफिस के लिए देना है, तो सुबह सुबह ही बनाना है। तो मैंने रात को ही इसको मैरिनेट करके 3 बजे मैंने रात में मैरिनेट किया था, तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6। तो इसको मैं कुकर में 2 5-5 किलो के जो कुकर है उसमें मैं डिवाइड कर देती हूँ। अच्छा, क्वांटिटी बढ़ जाती है अगर मैरिनेट करके आप रखेंगे ना मसाले डालने के बाद। तो मैंने 5 किलो मटन में 1 किलो दही, 2.5 किलो प्याज, थोड़ा सा प्याज ग्रिस्ता मैंने रख दिया था साइड में उसको थोड़ा सा गार्निश करने के लिए बिरयानी को। बाकी सब मैंने इसमें मैरिनेशन के लिए डाल दिया था। तो ये सब मसाले जब हम ऐड करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ जाती है मटन की। तो 5-5 किलो करके दोनों कुकर में मैं 5-5 किलो के जो कुकर है उसमें मैं उस एकदम इक्वल बराबर में मैं इसको डाल दूँगी और मैं रख दूँगी फास्ट फ्लेम पे 2 से 3 या 4 सीटी के लिए। 2 से 3 सीटी में मटन गल जाएगा, बकरे का गोश्त जल्दी गल जाएगा। तो इस तरीके से आपको गला लेना है डिवाइड करके, ज़्यादा मटन है तो इस तरीके से करना है, फटाफट होता है, जल्दी होता है काम अगर इस तरीके से आप करेंगे। दूसरा तरीका भी ये है बिरयानी बनाने का कि आप डायरेक्ट जैसा मैरिनेट करके जिस तरीके से रखे हैं उसी को सीधा टोप को लेकर के आप गैस पे रख दो, स्लो फ्लेम पे छोड़ दो 1 घंटे के लिए, तो मटन भी पक जाता है, मसाला भी पक जाता है, फिर ऊपर से उबाल करके चावल को आप डाल दो। तो लेकिन उससे अगर जल्दी चाहिए आपको तो इस तरीके ये ट्रिक यूज़ करें जो मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले उबाल लें इसको कुकर में, उसके बाद में इसको बिरयानी के लिए तैयार हो जा रहा मसाला, जब बिरयानी ये तैयार हो जाएगा तो मसाला बिरयानी का अपने आप तैयार हो जाता है। तो इसे रख देती हूँ मैं गैस पे फास्ट फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने देना है, ज़्यादा सीटी आने नहीं देना है। जब तक ये गोश्त गलता है, मैं मसाला जब तक हमारा गोश्त का रेडी, बिरयानी का रेडी हो रहा है, तो मैं चावल को, ये 5 किलो चावल है इसे मैं भिगो लेती हूँ। चावल को 20 मिनट से 30 मिनट तक के इसे भिगाना है, भिगो के रख देना है। उससे क्या होता है, बासमती जो राइस होते हैं उसके साइज़ बड़ा हो जाता है भिगाने से। अगर आप कोई भी चावल, नॉर्मल भी चावल आप घर में बना रहे हो तो आप पहले आधा घंटे पहले आप भिगा दो और बनाओ, तो देखो चावल बहुत सॉफ्ट बनते हैं, भले वो कितने भी सख्त क्यों ना, उकड़ा चावल भी क्यों ना, वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो आधा घंटा पहले मैं इसको भिगो लेती हूँ, इसे पहले अच्छे से धो लेती हूँ, उसके बाद में मैं इसे भिगो देती हूँ। तो ये भिगोना बहुत ज़रूरी है, बासमती राइस को बहुत ज़रूरी है भिगाना, उससे क्या है ना चावल के साइज़ जो है वो बड़े हो जाते हैं। तो राइस को मैंने भिगो दिया है, अब मैं ले लेती हूँ मसाला, जो हरा मसाला मुझे जो मसाला बनाने के लिए अलग से अभी मसाला भी बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने ले लिया है काफ़ी सारा धनिया, काफ़ी सारा पुदीना, और हरी मिर्च। लाल मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया है लेकिन थोड़ा सा हरी मिर्च का भी इस्तेमाल करूँगी मैं। तो 5 किलो की बिरयानी है, सब इक्वल होना चाहिए, मसाला एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं अभी सबसे पहले हरा धनिया, पुदीना, मिर्ची को धो लेती हूँ, उसके बाद में इसको पेस्ट बना लूँगी। प्याज ककड़ी का कचुम्बर बनाऊँगी, रायता बनाऊँगी, आलू जो मैंने रखे हैं वहाँ पर साइड में उसको भी काट के वो भी तल लूँगी तेल में, जो ग्रिस्ते वाला जो तेल है मेरा, कांदे वाला तेल, उसमें तल लूँगी। और 1 किलो मैंने टमाटर ले लिया है, तो 1 किलो टमाटर भी मैं चॉप कर लूँगी। तो हर चीज़ रेडी करके रखने से आसानी हो जाती है खाना बनाने में। तो आलू को मैं छील के इसे फ्राई कर लूँगी अभी। तो सब मैंने आलू काट लिया है, टमाटर काट लिया है, हरा मसाला भी मैं पीसने जा रही हूँ, हरा मसाले का पेस्ट अच्छा बनाना है। आलू को जो ब्रिस्ता मैंने बनाया था उसी ब्रिस्ते के ऑयल में मैं आलू को फ्राई कर लूँगी। उससे क्या होगा, मटन पका हुआ है, आलू भी पकना ज़रूरी है, तो क्या होगा अगर आप फ्राई नहीं करोगे ना तो आलू, मटन गल जाएगा, आलू नहीं गलेगा। तो इसके लिए आलू गलाने के लिए आलू को अच्छे से फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई करना है, ताकि एक भाग में जब हम दम देने लगे ना तो फट से वो गल जाए। तो ये मटन हो गया है रेडी, तो मैं भी निकाल लेती हूँ। ये सब ऑयल ऊपर आया है तो ऑयल कम करना है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना है बिरयानी को।
तो ऑयल गर्म कर दूंगी। दोनों पे बहुत ज़्यादा तरी आई है, मिर्ची का कलर है ये जो मैंने कलर वाली मिर्ची आपको कहा ना कि कलर वाली मिर्ची डाला है, वो कलर का मिर्ची का ये कमाल है जो तरी इतनी रेड रेड हुई है। तो मैं तरी को हटा देती हूँ। तेल का कम इस्तेमाल करना है बिरयानी में, नहीं तो ऑयली ऑयली लगेगी बिरयानी। तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ऑयल, तो मैं इसे हटा देती हूँ। पहले तो अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मसाला है वो एक जान हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको मैं बताती हूँ, देखिए कितना अच्छा गोश्त गल गया है, बहुत अच्छा गोश्त गला है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि मैरिनेशन का कमाल है, जो मैरिनेट करके मैंने रखा था रात भर में, तो उसका कमाल है। तो बहुत वीडियो पसंद आती है, लाइक ज़रूर करें। तो मैंने फ्राई कर लिया है आलू को, तो वो मैंने रख दिया है साइड में। मटन गल गया है, अब बनाना है मसाला। तो सबसे पहले जो मैं मसाला बनाऊंगी ना अभी बिरयानी में तड़का देने के लिए, वो मैं उसके लिए इसी तरी का इस्तेमाल करूंगी, यही तेल का इस्तेमाल करूंगी। तो इस तरीके से डाल दूंगी मैं, जितना मुझे चाहिए उतना, बाकी सब मैं हटा दूंगी, जो तरी है वो हटा दूंगी। पाँच किलो की बिरयानी बन रही है, पाँच किलो मटन है, 5 किलो चावल है, 1 किलो आलू है, 1 किलो टमाटर है, 2.5 किलो कांदा है। तो मैं एक टोप में नहीं आएगा, तो 2 टोप में मैं डिवाइड करूंगी इसे, 2 टोप में बनाना है मुझे। जिसमें मैंने ऑयल निकाल दिया है, तरी वाला ऑयल, उसको मैंने रख दिया है बड़े वाले गैस पे, बड़े वाले चूल्हे पे। अब उसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैंने डाल दिया है इसमें हरा मसाला, जो कोथमीर पुदीना और हरी मिर्च पीस लिया था वो, और 1 किलो टमाटर कटे हुए। तो इसे अच्छे से मिक्स करना है, पकने देना है टमाटर को। तो टमाटर को पकने देती हूँ। एक टोप में नहीं आएगा, तो मुझे इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हो गया है मसाला, तो राइस नहीं आएगा एक ही टोप में। अब मैंने इसमें जितना भी मैंने मटन गला लिया है, दोनों कुकर के मटन मैंने इसमें ऐड कर दिया है ये मसाले में। अब मैं इसको इसका पानी सुखा लेती हूँ, ये बहुत ज़्यादा सूखी है, मतलब जूसी हो गया है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी हो गया है, तो ये मसाले को सुखाना है, ग्रेवी जैसा बनाना है। तो इसको फास्ट फ्लेम पे कम करती हूँ पानी को, उसके बाद में ग्रेवी जैसा ये जब बन जाएगा तो ही इसको निकाल लूँगी। नमक कम लग रहा था मुझे, तो मैंने नमक का इस्तेमाल और थोड़ा सा ऊपर से कर दिया है। तो देखिए इस तरीके से सुखाने के बाद मसाला ये इस तरीके से हो गया है, इसको निकाल लिया है मैंने, उतार लिया है गैस पे से, चूल्हे पे से उतार करके इस पे से ऊपर से मैं आलू डाल रही हूँ। अब मैंने दो टोप में राइस को रखा है, 2 5-5 किलो के टोप है, उसको उसमें मैंने राइस को डिवाइड करके दोनों इस पे रख दिया है। राइस 2 से 3 दाना पक गया है, तो इसे छान ले रही हूँ मैं। नमक ज़्यादा डालना है, क्योंकि जब छानते हैं हम तो नमक चला जाता है पानी के साथ में, तो नमक को ज़्यादा डालना है। और 2 टोप में मैं पका रही हूँ, तो मैं अभी छान ले रही हूँ। इस तरीके से आपको छान लेना है, पानी निकाल लेना है सारा, उसके बाद में तुरंत ही आपको जैसा पानी निकालते हैं आप उसी तुरंत आपको सेट करना है बिरयानी के लेवल्स। तो बिरयानी का जो लेवल होता है वो फटाफट आपको टोप में ये करना है। अब मैंने गरम गरम चावल है उबले हुए, तो मसाला 2 टोप में करना है। तो मसाले को पहले डाल दूंगी, थोड़ा सा राइस नीचे रखूंगी, तो मसाले को हाफ मसाला मैं 1 5 किलो वाले टोप में डाल दूंगी। फिर उसके बाद में अब मैं इस पर राइस डाल दूंगी, गरम गरम राइस से क्या होता है, अगर गरम गरम आप उसके ऊपर मसाले के ऊपर डालोगे ना, तो दम फटाफट हो जाता है, दम होने में बिरयानी को टाइम नहीं लगता। तो मैं फटाफट अभी 2 सेट कर लेती हूँ, 2 टोप में बना लेती हूँ, फिर इसे दम देती हूँ, टाइम भी हो गया है जाने का। तो आपके पास जो कलर है, ऑरेंज, रेड, येलो, वो कलर्स थोड़ा सा ऊपर से डाल दें, ज़्यादा कलर नहीं डालना है, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया काट के डालना है, कोथमीर पुदीना,
और फिर मैं इस पर तड़का दूंगी गरम मसाले का, घी का तड़का दूंगी, घी लूंगी मैं असली घी। और उसके बाद में उसमें मैंने डाल दिया है, थोड़ा मैसी हो गया है मेरा किचन इसके लिए कोई कमेंट ना करे क्योंकि बहुत बड़ा खाना बनाई हूँ तो थोड़ा इधर उधर हो गई ये चीज़ें। अभी मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, जितना भी गरम मसाला आपके पास है, इलायची, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, शाह जीरा, दालचीनी, ये सब आप उसमें डाल दें। तेज़पत्ता डाल के आप इसको ऊपर से तड़का दे दें। तो दम देने से पहले उस पर थोड़ा सा बिरिस्ता डाल दूँगी और इसे दम देंगे ना खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी में। और अगर आपको चाहिए बहुत ज़्यादा खुशबू आए बिरयानी में तो ढक्कन पे आप दम के टाइम पे केवड़ा लगा करके उसे ढक्कन ढक करके ऐसा वज़न कुछ भी रख करके आप दम दे दें। तो बिरयानी हो गई रेडी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं फिर से आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छी वाली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखें।